बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? ओके बेटा, हम फैक्टराइज जो डिस्कस कर रहे थे उन्हीं टॉपिक्स को हम आगे लेकर चलते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गए। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, 12 तक के डिस्कस करेंगे फिल वक्त। अच्छा, हमारे पास इससे पहले जो हमने 1 से लेके 6 तक किया, आप इसमें देखिए हमने क्या किया, टेकिंग कॉमन कॉमन वाले फैक्टर्स किए, यानी कि कोई कंडीशन फार्मूला अप्लाई ना हो रहा हो, कुछ भी ना हो, तो कॉमन ले लेते हैं। अब मैं जब क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूँ तो मेरे पास देखिए ए स्क्वायर और लास्ट वाली वैल्यू भी स्क्वायर में, दोनों स्क्वायर में है। इसके अंदर अगर हम 8 में गौर करें, ये फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर वाई पावर 4, 81 9 का स्क्वायर। इस तरह ए माइनस बी स्क्वायर, 81 अगेन 9 का स्क्वायर। यहाँ पे 16 4 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में है। देखिए टर्म स्क्वायर में, जब स्क्वायर में और बीच में देखिए तमाम वैल्यू प्लस में, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर प्लस वाला हम अप्लाई करते हैं। फैक्टराइज हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ मैं बेटा। नंबर 1 है मेरे पास, देखें ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी प्लस 4 का स्क्वायर। अगर देखें ए और सी स्क्वायर में 4 2 का स्क्वायर है और प्लस है, कंप्लीटिंग स्क्वायर प्लस वाला। मैंने फार्मूला लिखा ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये इस फॉर्मूले की ओपन फॉर्म पे पूरा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, अपने इस फैक्टर को क्लोज में कन्वर्ट करके फैक्टर बना दूंगा। लाइक वेरी सिंपल। अब देखें, चेक करते हैं, ए का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, ए के प्लेस पर हमने लिखा ए सी, बी के प्लेस पर लिखना है 4, 4 किसका स्क्वायर है 2 का। ठीक है बेटा, प्लस बी स्क्वायर, देखें बी स्क्वायर पूरा फार्मूला अप्लाई हो, पूरा क्वेश्चन फार्मूले की ओपन फॉर्म पर आ रहा है ना, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमने इक्वल लिखा, अब क्लोज में कन्वर्ट करेंगे। ए ए की जगह पे लिखेंगे ए सी प्लस बी के प्लेस पे लिखेंगे 2 इसका स्क्वायर। दैट्स इट, इट इज अ फैक्टर। ठीक है, इतना ही सिंपल होते हैं फैक्टर्स बेटा, जैसा कि आपने देखा। अब देखें दूसरी कंडीशन, एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 प्लस 18 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 81। अब देखो ये भी स्क्वायर में, 81 9 का स्क्वायर है, मतलब ये ए टर्म है और ये बी टर्म है। अब देखिए अकॉर्डिंग फार्मूला मैंने ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या अप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है ना बेटा। फार्मूले का 2, ए की जगह लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 81 9 का, तो बी की टर्म 9। देखिए 9 2 ज़ा 18 मिडिल टर्म बन रही है ना, प्लस 81 9 का स्क्वायर, ये इसकी ओपन फॉर्म है। देखिए मैं आपको अमूमन एग्जाम्पल देता हूँ जब ओपन फॉर्म है। अब इसमें जब क्लोज करूंगा अकॉर्डिंग टू फार्म, ये पूरा क्लोज होके फार्मूला ये बनेगा, यानी कि ये 2ab इसमें इंक्लूड होगा, इस फार्मूले के अंदर क्लोज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने इक्वल लिखा, ए की जगह लिखा एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 9 इसका होल स्क्वायर। जब भी हम इसको ओपन करेंगे ये पूरी वैल्यू आप होना जाएगी। ठीक है, इन्हीं को फैक्टर्स कहते हैं। अगर ओपन फॉर्म में गिवन है क्लोज कर दो, अगर क्लोज गिवन हो तो ओपन कर दो, इट्स कॉल्ड फैक्टर्स। देखिए नंबर 9 हमारे पास है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 18 ए माइनस बी प्लस 81। अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट स्क्वायर ए टर्म हो गई, इस पूरे को मैं ए टर्म कंसिडर करूंगा, 81 9 का स्क्वायर। देखिए फार्मूले में ए स्क्वायर की जगह ए माइनस बी प्लस का फार्मूले का 2, ए की जगह ए माइनस बी, बी के प्लेस पर लिखूंगा 9 प्लस 9 का स्क्वायर। पूरा फार्मूला फॉलो कर रहे हैं, इसे क्लोज कर दें, क्या लिखेंगे, ए की जगह पर ए माइनस बी फार्मूले का प्लस बी की जगह पे 9 का होल स्क्वायर। दैट्स इट, ये हो गया हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर की कंडीशन। बोलो बेटा समझ में आया यहाँ तक? अब हम क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं इससे आगे। नंबर 10 है मेरे पास, देखें m पावर 2n t पावर 2n प्लस 18 m पावर n t पावर n z पावर n प्लस 16 z पावर 2n। यहाँ पे सिर्फ पावर्स को आपको कॉम्प्लिकेट करके दिया n फॉर्म में ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। a की टर्म क्या है बेटे को, फार्मूला तो वही बनेगा। a की टर्म क्या होगी हमारे पास, अगर हम देखें m प्लस n m पावर n t पावर n का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, a के प्लेस पे मैंने लिखा m पावर n t पावर n प्लस 16 मतलब 4z पावर n प्लस 4z पावर n का स्क्वायर। क्या ये फार्मूला पूरा इस क्वेश्चन पर अप्लाई हो रहा है? ओके, तो हो रहा है, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या लिखा, a a की जगह पे लिखा m पावर n t पावर n प्लस 4z पावर n का होल स्क्वायर, यानी इस पूरे क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने क्लोज कर दिया, इट्स कॉल्ड फैक्टर। नंबर 11 देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 0.025। अगर देखें इसका स्क्वायर बनाने का एक आसान तरीका, 0.20 की जगह 0, 25 की जगह 5, ये बी की टर्म है बेसिकली। ठीक है, ये स्क्वायर में, और अदरवाइज इस तरह समझ में ना आए तो हम एक काम और भी कर सकते हैं, ये स्क्वायर में है ना, ये बात तो कंफर्म है।
अब आप क्या करें, कैलकुलेटर ले लें। कैलकुलेटर के अंदर हमने अंडर रूट का साइन होता है, आप अंडर रूट लाइक देखें, मैं शो कराता हूँ आपको। देखें ये रहा, मैं अंडर रूट का साइन प्रेस किया, अंडर रूट के साइन में मैंने लिखा 0.0025 और मैंने इक्वल किया, देखिए मेरे पास क्या आ गया 0.05। ठीक है बेटा, इस तरीके से भी मैं इसका स्क्वायर चेक कर सकता हूँ कि बी किसका स्क्वायर है, टर्म क्या है, क्योंकि डेसिमल में जाहिर है हमें याद नहीं होगा, तो हम इस तरह कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए की जगह लिखा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस फार्मूला लिखा टू, ए की जगह लिखा एक्स वाई, बी की वैल्यू देखिए मैंने अभी कैलकुलेटर से भी और डायरेक्ट भी निकाला, 20 का मतलब 1 0, 25 मतलब 5। ठीक है बेटा, बी प्लस बी इसको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक्स वाई प्लस 0.05 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारे पास देंगे 4/9, 4 का मतलब 2, 3 ए की टर्म हो गई, 3/2 वाई स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 है, हम इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्लोज करेंगे। ए की टर्म लिखी प्लस 2 फार्मूले का, ए की टर्म 2/3x, बी की टर्म 3/y का स्क्वायर हमने यहाँ से चेक कर लिया, प्लस 3/2 वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये पूरा फार्मूले के अंदर ओपन फॉर्म में आ रहा है, इसको आप क्लोज में कन्वर्ट करेंगे, ए की जगह लिखा 2/3x प्लस बी की जगह 3/y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर प्लस वाले हमारे कंप्लीट हो गए, इसके बाद फिर माइनस वाले कंडीशन है, इसको भी बेटा अच्छी तरह सुने, मैं थोड़े थोड़े इसके लिए दे रहा हूँ बेटा आपको रिकॉर्ड कर ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें और लिख सकें और बार बार सुने, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है ना बेटा वीडियो सुनना, फिर मुश्किल होती है। ठीक है, इसको तवज्जो से सुने बेटा, फिर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।